हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेमिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं डिजर्ट ऑर्डर रियल टाइम स्ट्रेटेजी गेम के होम बेस के बारे में। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। ये समझते हैं होम बेस में क्या क्या चीजें हैं। पहले होम बेस को कैसे पहचाने। होम बेस और दूसरे बेस का गैरेज का गेट अलग अलग है। मैप में होम बेस कैपिटल एच सिंबल से पता चलता है। होम बेस का सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेस के सामने जो गन है उसको फ्लैक्स कर। बेस में कंक्रीट, स्टील, एल्युमिनियम फैक्ट्री और एक ऑयल रिफाइनरी है। कंक्रीट फैक्ट्री से फ्लैक्स बनता है, स्टील और एल्युमिनियम यूज होता है, लेकिन उतना नहीं, वो कंक्रीट से कम। स्टील से ट्रूप्स वगैरह बनता है। और एल्युमिनियम से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बनता है। ऑयल रिफाइनरी से फ्यूल का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्यूल का जरूरत है ट्रूप्स और एयरक्राफ्ट चलाने के लिए। ये ग्रुप एक्सपेंशन है, इससे ग्रुप का लिमिट बढ़ता है। मिलिट्री ऑफिस से मिलिट्री पॉइंट मिलता है, और कोई भी ट्रूप्स बनाने के लिए मिलिट्री पॉइंट का जरूरत होता है। मिलिट्री ऑफिस और मिलिट्री सेंट्रल, ये दोनों ट्रूप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्लैक्स बनाने के लिए और फैक्ट्री एक्सटेंशन के लिए पावर प्लांट का जरूरत होता है। बेस कमांड 10 से ज्यादा बेस लेने के लिए जरूरत पड़ता है। साइट टावर बेस के चारों तरफ रोशनी लाता है। जामर ये बेस की चारों तरफ अंधेरा करता है। डिटेक्टर ये कोई भी स्टिल्थ यूनिट को डिटेक्ट करता है। क्रेन है, इससे कोई भी डैमेज यूनिट को रिपेयर किया जा सकता है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में होम बेस के रिसोर्स और ट्रूप्स के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। टिल देन कीप वाचिंग गेमिंग आइडियाज। नमस्कार।